अगले सेट ऑफ ग्राफिक्स अब लेकर आते हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं और ये ग्राफिक्स है जातीय समीकरणों को लेकर, कौन किसके साथ है। हमने ये सवाल पूछा सीएसडीएस के लोगों ने, राजपूत 55% भाजपा के साथ दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के साथ 33% राजपूत दिखाई देते हैं। अगर दलितों की बात की जाए तो बीजेपी के पास 46% दलित हैं, कांग्रेस के पास 44% दलित है। और सुमित, बस ये दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बाकी के नंबर्स है वो आप पूछेंगे कहां गए, वो भाजपा कांग्रेस के अलावा जो अदर पार्टीज हैं उस पे लोगों ने अपना वोट दिया, बिल्कुल मत दिया था। ग्राफिक्स को साफ सुथरा दिखाने के लिए कि दो बड़ी पार्टियां उन्हीं के बारे में हम इस वक्त बात कर रहे हैं, खासकर इस जातीय समीकरणों को लेकर। जाट की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 34% है, यहां कांग्रेस के पास जाट जा रहा ज्यादा जा रहा है 42%। अगर अन्य ओबीसी की बात की जाए, क्योंकि जाट भी ओबीसी है पर जाट के अलावा जो ओबीसी होते हैं जैसे यादव हो गया, बिश्नोई हो गया, उनमें भाजपा आगे है, 45% भाजपा और 35% कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं। आदिवासियों के बारे में अगर बात की जाती है तो आदिवासी 48% बीजेपी के पास है, 36% कांग्रेस के पास है। और आदिवासी जब मैं कहता हूं तो बड़ी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है मीणास की, वो राजस्थान में आदिवासियों में गिनी जाती है, वो भाजपा के साथ ज्यादा तौर पर जा रही है। मुस्लिम्स जैसा कि एंटिसिपेट किया गया, जगह जगह भाजपा के खाते में 9% है, कांग्रेस के पास 86% मुसलमान के परसेंटेज जाते हुए दिखाई देते हैं। और अब हम देखेंगे महिलाएं किसके साथ हैं, और भाजपा के साथ 45% विमेन और कांग्रेस के साथ 39% पुरुष, बीजेपी के साथ 43%, कांग्रेस के साथ 41%। यूथ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, भाजपा के साथ 45%, कांग्रेस के साथ 35%, 10% का करीब गैप है, और बाकी जो है उन लोगों ने अन्य पार्टियों के बारे में बात की है। किसका पलड़ा भारी है, ये भी सवाल आप पूछेंगे। तो गांव और शहर की तुलना में हमेशा बात की जाती है, भाजपा 44% गांव में है। सुमित, ये अहम है क्योंकि भाजपा के बारे में कहा जाता था कि भाजपा शहर की पार्टी है, ये लेकिन ये पुरानी बात थी, 2014 से पहले की भाजपा थी। ये जो नई भाजपा है, मोदी शाह की जो भाजपा है, वो उसका पकड़ गांव में भी उतना ही है जैसा शहर में। आप देख रहे हैं 43% भाजपा को मिल रहा है शहर में, और कांग्रेस का यहां पर बेहतर परफॉर्मेंस है 45%। इंटरेस्टिंग है ये, इनफैक्ट बहुत दिलचस्प आंकड़ा हमारे ने दिखाया, इसी से शुरुआत करना चाहता हूं। संजय जी, भाजपा तो शहरों की पार्टी थी, भाजपा ग्रामीण इलाके में पॉपुलर हो गई, कांग्रेस जो गांव की पार्टी मानी जाती थी तो शहरी इलाके में पॉपुलर हो गई। क्या राजस्थान की जो डेमोग्राफी है, जिसको आप ग्रामीण और अर्बन में रखते हैं, उसमें कुछ अंतर है देश के मुकाबले, ऐसा क्यों हुआ ये चेंजेस? नहीं, देश के मुकाबले भी अंतर नहीं। अगर आप देखेंगे कि 2014 और 2019 के चुनाव को और उसके बाद भी जितने विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी को अभी भी गांव में ज़्यादा वोट मिल रहा है, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन है जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पैठ बनाई है ग्रामीण मतदाताओं के बीच में, और वो बीजेपी को एक स्टेबल सपोर्ट बेस दे रहा है। आप देखिए, बीजेपी के 37% वोट है नेशनली, अलग अलग राज्यों में विधान लोकसभा के चुनाव में तो 50% का आंकड़ा वो पार कर जाते हैं, और इसकी वजह सिर्फ शहरी मतदाताओं में पॉपुलैरिटी नहीं है। अगर बीजेपी की पॉपुलैरिटी सिर्फ शहरी मतदाताओं के बीच में सीमित रहती तो बीजेपी आज उतनी प्रभावी पार्टी नहीं होती, उसका इतना डोमिनेंस नहीं होता जितना आज हमें देखने को मिलता है। और यही देखने को मिल रहा है राजस्थान में कि कैसे राजस्थान में उन्होंने अपने ग्रामीण मतदाताओं के बीच में भी पैठ बनाई है, दूसरे राज्यों में भी आपको कमोबेश ऐसा ही देखने को मिलेगा। और इसी कारण मैं कह रहा हूं बीजेपी आज इतनी मजबूत पार्टी देश की राजनीति में दिखाई पड़ती है। और आपका ये विश्लेषण सुनकर शहजाद पूनावाला के चेहरे पे मुस्कुराहट है। शहजाद, गांव में बीजेपी पॉपुलर होती जा रही है, संजय जी दिखा रहा फिगर में दिखता भी है, पर मेरा सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, शहरों में क्यों पीछे छूट रहे हैं? नहीं देखिए, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि राजस्थान की जो डेमोग्राफी है वो ज़्यादातर 70-80% रूरल ही है, और बहुत कम एरिया या हार्डली 30 या 40 सीट होंगी जो अर्बन मानी जा सकती है, अर्बन एरिया से अफेक्टेड है। दूसरी बात, निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी की सरकार ने विज्ञापनों पर और टीवी के माध्यम से प्रचार प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। डिज़ाइन से बहुत सारे बॉक्स में से आइडियाज़ डिज़ाइन करके बाहर निकल के ही आते हैं उनके, और 900,000 करोड़ रुपये उसी में खर्च किया है। उल्टा मोदी जी ने वहाँ पे 3.5 करोड़ खाते खोले हैं, वहां पर किसानों को लगभग 12,900 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं किसान सम्मान निधि के माध्यम से, वहां पर
80 से ज़्यादा टॉयलेट बने हैं वहाँ पर, फसल बीमा योजना के माध्यम से 4.5 करोड़ किसानों को वहाँ पर बीमा मिला है। तो मुझे लगता है कि एक ने तो काम किया है, दूसरे ने केवल वादे किए। मैं उनसे रोहन जी से पूछना चाहता हूँ, आज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो चिंता है, सबसे ज़्यादा असुरक्षित अगर कोई प्रदेश बना है महिला सुरक्षा में तो वो राजस्थान है, नंबर वन है। भीलवाड़ा में जो घटनाएँ होती है, जो प्रतापगढ़ में निर्वस्त कर दी गई, जो घटना करौली की हुई 19 साल की दलित बच्ची के साथ, इसमें एक भी जगह प्रियंका वाड्रा जी जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नहीं गई। युवाओं का जो है, युवाओं को जो 17 पेपर में धोखा मिला है वो तो केवल 70 लाख युवाओं को डायरेक्टली अफेक्ट किया, परंतु उनके परिवारजन मिलाकर कम से कम 3 करोड़ लोग उससे डायरेक्टली प्रभावित हुए। इसीलिए युवाओं में जो आपको दिख रहा है 10% का फासला है, वो इसीलिए बना है। हालांकि उनके पास सचिन पायलट जैसा चेहरा है, परंतु वो सचिन पायलट भी बहुत इसके खिलाफ। इंटरेस्टिंग बात आपने की है शहजाद, मैं चाहूंगा रोहन इनका बात का जवाब भी दीजिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन इंसिडेंट की बात की महिला सुरक्षा को लेकर शहजाद ने, वो सभी ग्रामीण इलाके थे और ग्रामीण इलाकों में आप कम पॉपुलर है बीजेपी से, क्या यही वजह है? देखिये, मुझे सुन भी लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता को कभी भी महिला सुरक्षा की बात करने का अधिकार नहीं है। जब से मणिपुर की तस्वीरें पूरे देश ने देखी है और एक भी उनका नेता, प्रधानमंत्री जी से लेके एक भी नेता उसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं, उनको शर्म आनी चाहिए महिला की बात करते हुए भी। उत्तर प्रदेश में हमने उनाव देखा, कथुआ देखा, एक भी नेता नहीं बोला, शर्म आनी चाहिए। इसमें तो भाजपा ही पाए जाते हैं, उनको क्या अधिकार? बात राजस्थान की हो रही है, कोई भी प्रदेश होता है, कोई भी प्रदेश बात राजस्थान की हो रही है, खत्म कर लो। उन्होंने राजस्थान की घटना की नहीं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कभी भी महिला उत्पीड़न की कोई भी राज्य में घटना हो, कोई भी राज्य की सरकार है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। एकमात्र सरकार इमीडिएट एक्शन लिया गया, कभी एक दिन भी किसी को छोड़ा नहीं गया। और इनकी सरकार एक्शन लेना तो भूल जाइए, जो 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 कल्प्रिट पाए जाते हैं वो भी भाजपा ही निकलते हैं, ये लोग एक्शन क्या लेंगे, इनको तो बोलने का अधिकार ही है। दूसरी बात स्वरूप भाई, मैं आपको एक बड़ी चीज कहना चाहूंगा, जो 500 रुपए में गैस सिलेंडर का जो तोहफा राजस्थान की जनता को कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उसका महिलाओं पर जो असर होगा वो आने वाले चुनावों में आप देखेंगे। जो 25 लाख के स्वास्थ्य बीमा का जो पूरा योजना सक्सेसफुल है पूरे राज्य में हुई है, उसका असर आपको दिखेगा। जितनी भी योजना है एकमात्र सरकार है सुमित भाई, 87% वादे जो लास्ट मैनिफेस्टो है उसको पूरा किया, बाकायदा उसका एक डॉक्यूमेंट। मैं बीच में बोल रहा हूँ, हमारा आखिरी सेट ऑफ ग्राफिक्स जो आएगा ना हमारे डिस्कशन में वो ये स्कीम्स को लेकर है। सुमित जी, क्योंकि महिलाओं के विषय में बात की है, शांति धारीवाल ने कहा था मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होते रहेंगे। राजेंद्र गुड़ा ने जब महिलाओं के विषय में बोलने की कोशिश की तो उनको निकाल दिया गया मंत्री पद से। और दिव्या मदेरणा इनकी विधायक है, उन्होंने कहा महेश जोशी के बेटे पर जो बलात्कार के आरोप है उस पर केस नहीं होता। जवाहरलाल मीणा के बेटे पर केस नहीं हुआ, कोर्ट को करना पड़ा। देखिए रोहन जी, आपके बीच में बोलने की जो प्रवृत्ति है, आपके बोलने की बीच में प्रवृत्ति है, इससे पता चल रहा है एक तो ये है कि वो राजस्थान के मुद्दों से अविज्ञ है, इसलिए मणिपुर चले जाते हैं, राजस्थान की जनता की चिंता नहीं। देखिए सुमन जी, मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, बीच में बोलने जा रहे हैं मुझे। नहीं नहीं, चलिए नहीं, मेरी बात पूरी होगी ना, मेरी बात पूरी होगी। वो लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं, वो लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं। एनडीटीवी का तो स्टाइल बारे में बोलने का, एक-एक करके बात करते हैं। देखिए यही होता है कि जब सोशल मीडिया से लोग प्रवक्ता बन जाते हैं, वो सीखते नहीं है कि डिबेट कैसे होती है। एनीवेज, मैं उसको छोड़ देता हूं। मुझे बताइए कि आपके कल बड़े नेता खिलाड़ी लाल जो है निकल के आ गए और वो बैरवा, वो बोलते हैं कि दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और उन्होंने कहा कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है। ये क्या बीजेपी ने करवाया? ये खुद आपके नेता है। दूसरी बात बताइए मुझे कि किस प्रकार से, चाहे वो राजस्थान की घटनाएं हो जिसपे कि दिव्या मदेरणा ने बोला, राजेंद्र गुड़ा ने बोला, उस पर जिस प्रकार से शांतिलाल धारीवाल ने बोला, तो ये सारे नेता आपके हैं। अशोक गहलोत कहते हैं कि ज्यादातर बलात्कार के मामले फेक है, इस प्रकार के बयान कहां से आए? अविनाश कल्ला, अगर हम महिला फैक्टर की बात करें तो ये क्लियरली दिख रहा है कि महिला मतदाता 2.52 करोड़ हैं आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 5.26 करोड़। उसमें महिला मतदाता का प्रतिशत बढ़ा है 2013 के चुनाव में, 2018 के चुनाव में, मेन के कंपैरिजन में। और आप अगर ये डेटा देखें जिसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि अगर वो लाभार्थी हैं, दोनों तरफ से लाभार्थी हैं क्योंकि उनको सेंटर की स्कीम्स भी मिल रही है और स्टेट ने भी बहुत सारा प्रोमिसेस किया है, तो महिला क्या इस बार एक नया ट्रेंड दिखेगा राजस्थान में, एक कास्ट न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह इमर्ज कर सकती हैं बस इस बेसिस पर कि वो महिला हैं? देखिए, डेटा यही दिखा रहा है कि बहुत क्लोज कंटेस्ट रहेगा और मुझे लगता है कि इस बार दोनों, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या वो राज्य की सरकार हो, उन्होंने फोकस किया है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे,
क्योंकि जिसपे इतना ज्यादा फोकस नहीं जाता। राज्य सरकार ने तो स्कीमों की छड़ी लगा दी है, उनकी 7 गारंटी में से सबसे पहली गारंटी ये है कि हम घर की सबसे बुजुर्ग महिला को 10,000 रुपए की गारंटी एनुअली देंगे। तो दोनों लोग फोकस कर रहे हैं महिला वोटर पे, कौन उनको साथ पाता है ये बड़ा प्रश्न होगा। और ये एक कास्ट न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है। तो, बिल्कुल हाँ, तो क्या वो बिहार उड़ीसा तमिलनाडु की तरह एक नया ट्रेंड दिखेगा? नीरजा, सवाल आपसे है, दोनों तरफ महिलाएं लाभार्थी हैं, लेकिन फैक्टर ये है कि जैसे बाकी स्टेट्स में विमेन एक पूरे हाउसहोल्ड का, पूरे अपनी फैमिली का मत डिसाइड करने लगी हैं, क्या वो बस इस बार राजस्थान के चुनाव में अपना मत डिसाइड करेंगी या पूरी फैमिली पूरे परिवार का करेंगी? मुझे लगता है महिला 2-3 चीजों से प्रभावित हुई है। उनके लिए जो हाथ में आया है ना स्कीम्स की वजह से, जो लाभार्थी की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। ये जो हेल्थ स्कीम है, हॉस्पिटल की स्कीम है, उसमें बहुत लोगों ने जिक्र किया है। और ये भी है कि ये क्रिटिसिज्म होता है कि 25 लाख नहीं मिले हैं, तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं 25 लाख नहीं मिले तो 7-8-9 लाख तो मिले हैं मोस्ट केसेस में, और गरीब लोगों को, गरीब महिला को, गरीब परिवार के लोगों को मिले हैं। उसका असर महिला पे हुआ है और गैस सिलेंडर का असर भी महिला पे हुआ है। अब क्या महिला सिर्फ इन चीजों को रख के एक वोट बैंक की तरह करेंगी? मैं नहीं मानती। मुझे लगता है कि और भी फैक्टर्स आएंगे, क्योंकि अगर बदलाव की चाह है इस बार तो वो बदलाव की चाह महिला में भी होगी। और बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर ठीक ठाक कर लेती है भाजपा तो उसके चांस जीतने के बढ़ जाएंगे। तो लगता है वसुंधरा राजे सिंधिया को देखे उन्होंने कुछ तो ठीक ठाक कर दिया है। नीरजा जी, उस पे आऊंगा अभी, हम लोग ब्रेक के जब उस पार लौटेंगे ना तो हम सीएम के चेहरों पर बात करेंगे। और दर्शकों से भी मेरी अपील है कि हमारे साथ बने रहें। लेकिन नीरजा जी, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। अभी जो हमने सेट ऑफ ग्राफिक्स दिखाया, इसमें 2-3 चीजें जो मुझे अंडरलाइन करनी है। बीजेपी के पास राजपूत ज्यादा जा रहे हैं 55%, कांग्रेस के पास 33%। आदिवासी की बात करें तो 48% बीजेपी के पास, 36% कांग्रेस के पास। अगर हम महिला की, आपने बात की महिला में बीजेपी की लोकप्रियता ज्यादा है, यूथ भी 45% बीजेपी के पास ज्यादा जा रहा है। तो जातियों के बीच में और अगर आप जेंडर की बात करें उसके बीच में बीजेपी का एज है। तो आप जो शुरू में बात कह रही थी, क्या हवा उसी तरफ जा रही है? देखिए, मेरा मानना है कि टक्कर वाली स्थिति होगी, वॉशआउट की स्थिति नहीं होगी कांग्रेस के लिए, जो कि 6-8 महीने पहले, 6-8 नहीं 1 साल पहले की थी। इस बार टक्कर की स्थिति होगी, लेकिन बढ़त मुझे भी लगता है कि भाजपा की है राजस्थान में। ऑलराइट, सो इसी बात पे नीरजा जी हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स अभी आपको और मिलेंगे। सीएम का चेहरा कौन सबसे अहम है और भाजपा में सबसे बड़ा चेहरा कौन है? बीजेपी ने किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया है, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही, लेकिन एक व्यक्ति अपने आप लोकप्रिय है वहां पर। लेकिन पता, मैं आपको बता दूं, राजस्थान में अशोक गहलोत भी दिखाई, हाँ, वो भी नहीं है कांग्रेस भी नहीं, ना छत्तीसगढ़ में, और मध्य प्रदेश में जा सकता तो नहीं बोलने वाला है, था पर कमलनाथ को डिक्लेयर करके बोलने वाला था, बैंकर बन जाते कांग्रेस को तो अपनी सरकार पर इतना भी भरोसा नहीं कि जहां मुख्यमंत्री है उनको डिक्लेयर कर दे, और शायद राहुल गांधी ने मना किया होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है सुमित, और यही सवाल मेरा रहेगा संजय कुमार जी से भी, कि ये एक ऐसा स्टेट है जहां पर वसुंधरा राजे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पैक्टफुल लीडर रही हैं, और भाजपा में एज अ पॉलिटिकल पार्टी में बहुत ही उन्होंने पावरफुल अपना इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप रहा है, लेकिन फिर भी वुमेन एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं रही। ये तो आयरनी है स्टेट की। बिल्कुल, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना इसलिए। हाँ। खैर, लौट के आते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन अगले सेट ऑफ ग्राफिक्स में बात करेंगे सीएम का सबसे पॉपुलर चेहरा कौन है, क्यों है, और क्यों दूसरा व्यक्ति उससे आगे निकलता दिखाई दे रहा है। ब्रेक के उस पार बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।